चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के इटावा में एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ है। ट्रेन के चपेट में आने से कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। रेलवे पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। चार लोगों की मौत की खबर सामने आई है, कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से यह हादसा हुआ है। चार लोगों की मौत और कई लोग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के इटावा में ये बड़ा हादसा हुआ है। हमारे सहयोगी राहुल शर्मा हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? चार लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जी, अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये घटना जो हुई है इटावा के जसवंत नगर इलाके के बलरई रेलवे स्टेशन के पास ही हादसा हुआ है। राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन तेज रफ्तार से गुजर रही थी और इसी दौरान करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग जो रेल ट्रैक पर चल रहे थे वो इस हादसे के शिकार हुए हैं, जिनमें चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। हालांकि रेलवे पुलिस और जीआरपी के जवान मौके पर मौजूद हैं। आला अधिकारियों की टीम भी मौके पर आ गई है। मृतकों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। उनके पास से जो दस्तावेज बरामद हुए हैं उनके आधार पर उनके संपर्क वालों से संपर्क करने का प्रयास भी पुलिस कर रही है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह की ये घटना हुई है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करने वाली है कि आखिर रेल ट्रैक पर आधा दर्जन से ज्यादा लोग एकाएक कैसे आ जाते हैं और उन्हें किसी तरह की कोई रोक टोक या किसी तरह की रोकने की कोशिश प्रशासन की तरफ से नहीं की जाती, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है। जी शाकिर, चलिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।